तो पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। पार्वती कहने लगी भगवान शंकर से कि 14 वर्ष का वनवास जो कैकेयी ने दिया, इतना लंबा चौड़ा, तो 14 का क्या मतलब है, 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती सारा तुम कथा सुन रही हो, देख रही हो कैसे राम वहाँ से चले हैं, कैसे भरत उनके साथ साथ आ रहे हैं, और भरत ने कितना त्याग किया है, पैदल आ रहे हैं बेचारे इस तरह लेकर के, इतना लंबा जर्नी कर रहे हैं, और अयोध्या का राज उनके सामने रखा हुआ है, खीर सामने रखी है फिर भी आदमी नहीं खा रहा है। तो कहते जिसको खीर देखने को ही नहीं मिली हो, वो कहते जी बड़े त्यागी हैं, इन्होंने कभी खीर नहीं खाई, तब तो कोई त्याग नहीं है वो, क्योंकि और जिसको सामने खीर रखी और फिर वो कहे मैं नहीं खाऊंगा, उसको कहेंगे कि ये त्यागी है आदमी। तो सब कुछ छोड़ कर के आया है भरत जो है, इतना सब त्याग कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्या कारण है इसका? पार्वती कहने लगी बताओ, 14 साल तक भरत ऐसे रहेंगे राम के वियोग में और राम जंगल में घूमते रहेंगे? तो भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती देखो, संसार के अंदर जो सारा गड़बड़ है वो ये है कि प्रेम खत्म हो गया है दुनिया के अंदर, घृणा बहुत बढ़ गई है, भाई भाई से द्वेष करने लगा, और जिस समाज में प्रेम नहीं होता वो समाज नष्ट हो जाता है। तो प्रेम तो अमृत है जो समाज को जीवित रखता है, प्रेम तो अमृत है जो परिवार को टूटने से बचाता है। तो अमृत निकालना है, अमृत का खोजना है, क्योंकि सब प्रेम नष्ट हो गया, कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता, तो प्रेम रूपी अमृत लाएंगे तो समाज बचेगा, प्रेम रूपी अमृत नहीं लाए तो समाज नष्ट हो जाएगा। तो अमृत कहाँ से लाएंगे? तो शंकर कहने लगे कि अमृत पार्वती कहाँ से मिला था? समुद्र का मंथन किया था देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके, और समुद्र का मंथन करके उसमें से अमृत निकाला था। कहने हाँ ये तो कहानी तो है, लेकिन कहते पार्वती अब किसमें समुद्र कौन सा है जिसमें प्रेम मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, कौन सा समुद्र है जिसके अंदर प्रेम छुपा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि भरत का व्यक्तित्व प्रेम, अपार प्रेम है उसमें, प्रेम का सागर है, और इसको जब मंथन करोगे तो प्रेम निकल आएगा, समाज में प्रेम ही प्रेम फैल जाएगा। भरत के चरित्र को जो पढ़ेगा वहाँ प्रेम ही प्रेम फैलेगा। तो कहने लगे समुद्र का मंथन शुरू करना है। अब समुद्र का मंथन करने के लिए जैसे मथानी बनाई थी मद्राचल पर्वत की, ऐसा कठोर मथानी चाहिए। तो कहने लगे मथानी कौन सी है? प्रेम अमीय मंदर विरह, प्रेम का जो प्रमाण है वो विरह है। मुंह के सामने तो हर एक प्रेम करता है, अजी मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता, तुम्हारे बिना रोटी, लेकिन अगर तुम यहाँ से चले गए तो आँख ओझल पहाड़ ओझल भूल गए सारे। तो प्रेम की परीक्षा विरह में होती है, दूर चले गए तब भी उतना ही प्रेम है, 10 साल बाद भी मिलेंगे तो ऐसा ही होगा जैसे बिल्कुल एक दूसरे से जब मिलते थे शुरू में। तो विरह पैदा किया भगवान ने कि विरह में भरत की अगर प्रेम की परीक्षा लेनी है कि वाकई प्रेम सच्चा प्रेम करता है या दिखावा करता है, तो विरह में परीक्षा होगी। तो विरह का मंथन लगाओ। अब इसमें से क्या करेंगे, अमृत कब निकलेगा? तो समुद्र में से अमृत निकला था 14 रत्न जब निकाले थे, 14 रत्न में अमृत निकला था, तो 14 रत्न जब निकलेंगे तभी तो अमृत निकलेगा। पार्वती कहने लगी 14 रत्न कौन कौन से महाराज? कहते श्री मणि रंभा वारुणी शंख अमीय गजराज कल्पद्रुम विदु धैनु धनु धनवंत्री विषबाज। 14 हो गए ये, 14 रत्न समुद्र में से निकले थे, और धनवंत्री जो थे अमृत का कलश लेकर सबसे बाद में निकले थे। तो ये 14 रत्न में 14 रत्न निकालने हैं पार्वती, तो 14 रत्न के लिए मथानी मद्राचल चलेगा, और ये 14 रत्न निकलेंगे तो तो राम जो हैं सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, एक चक्र में एक
वस्तु निकलेगी, 14 वस्तुएं जो निकले थे रत्न, तो एक चक्र सूर्य का जो है एक वर्ष में पूरा होता है। एक राशि से चल के सूर्य दूसरी राशि तक आएगा तो 12 ही राशियाँ हैं संसार के अंदर। 12 महीने में सूर्य चल करके आएगा तब अपनी उस ओरिजिनल राशि पे पहुँचेगा जहाँ से चला था। तो एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा होता है, और एक चक्कर पूरा होगा तो एक चीज़ निकल आएगी समुद्र में, एक रत्न निकलेगा। तो पार्वती ये 14 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब अमृत निकलेगा। 14 वर्ष वो चक्र हैं सूर्य वंश के, 14 वर्ष वो सूर्य के चक्र हैं, जो सूर्य 14 बार घूमेगा और एक एक बार घूमता जाएगा तो एक एक रत्न निकलता जाएगा। तो ये सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, से सूर्य के तरह से इनको निकालने पड़ेंगे। तो पार्वती इसलिए 14 के अमृत जब तक ना निकले तब तक मंथन करते रहो, और उस समुद्र का मंथन करो जो भरत है, भरत के एक एक उसके व्यक्तित्व को मंथन करते जाओ तो एक एक चीज़ निकलती जाएगी। और पार्वती तूने देखा नहीं, सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले गरल निकला था, सबसे बाद में अमृत निकला था। कहले हाँ, तो कहते इसमें भी सबसे पहले गरल निकला है। गरल क्या है? गरल कड़वा होता है, जहरीला होता है। तो भरत ने सबसे पहले आते ही अपनी माँ को कटु वचन बोले, बहुत कटु वचन बोले, ये जहर है। तो पहला जो निकल रहा है वो जहर निकल रहा है, इसका मतलब अब अमृत भी अंत में निकलेगा ज़रूर। तो पार्वती कहने में समझ गई महाराज कि 14 चक्र, इसलिए सूरज के 14 चक्र होंगे 14 वर्ष में, तो उस तब जाकर के भरत की परीक्षा पूरी होगी 14 साल की, इसलिए 14 साल का वनवास दिया गया है। तो कहने लगे इसलिए सूर्य भगवान राम जो है वो कहते हैं जब तक मैं पूरी तरह से मंथन ना कर लूँ, तो प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोदि गंभीर और मत काढ़ो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। जो सुर हैं देवता हैं उनमें प्रेम रहना चाहिए, नहीं तो मिट जाएंगे। और जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं संसार में उनमें आपस में प्रेम रहना चाहिए, तो प्रेम का प्रचार करेंगे जहाँ जहाँ जो संत जाएगा। तो इसलिए उनके लिए अमृत निकाल करके भगवान ने कि संतों के लिए और देवताओं के लिए प्रेम रूपी अमृत भरत के व्यक्तित्व में से निकलेगा। इस भरत के व्यक्तित्व में से 14 बार चक्कर निकालने पड़ेंगे तब जा कर के 14 रत्न निकलेंगे। तो इसलिए पार्वती 14 साल तक भगवान रहेंगे वन में, और 14 साल में जब भरत का शरीर जो है उसमें से वाकई निकलेगा अब संसार में प्रेम खत्म नहीं होगा, इतना प्रेम निकल आएगा। तो पार्वती प्रसन्न हो गई, भगवान आपने सही बात बता दी, मैं तो बड़े रहस्य में पड़ी हुई थी।